हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ जो है सऊदी अरेबिया के लिए। दोस्तों सऊदी अरेबिया में हमें कार वॉशर की रिक्वायरमेंट है। कार वॉशर में काम क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी और सऊदी में कौन सी जगह पर काम रहेगा, ये सारी जो डिटेल्स है आगे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स और उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया में जिद्दा करके जगह है। जिद्दा एक बहुत बड़ा सिटी है, अच्छा सिटी है, आप में से कई लोग जो है वो जानते होंगे। उसी में हमें जो है वो रिक्वायरमेंट है वो कार वॉशर की, कार सर्विस सेंटर है उसी में कार वॉशर चाहिए हमें। कार वॉशर में काम आपको ये रहेगा कि कार जो वहाँ पे कार वॉशिंग के लिए आएगी उसको आपको धोना रहेगा, उसकी साफ़ सफाई करनी रहेगी, उसकी वॉशिंग करनी रहेगी। दोस्तों इसमें जो कंपनी सैलरी दे रही है वो 1400 सऊदी रियाल सैलरी दे रही है। 1400 सऊदी रियाल इंडियन करेंसी में आज के रेट के हिसाब से लगभग 31,000 तक सैलरी बनती है। दोस्तों इसमें फूड आपको खुद करना रहेगा, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इसमें जो ड्यूटी है, ड्यूटी जो है वो 10 आवर्स की ड्यूटी है। दोस्तों इसमें वीकली ऑफ भी रहेगा आपको, प्लस ओवर टाइम भी कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इसमें आप लोग ओवर टाइम वगैरह करके आराम से 1700 से 1800 रियाल तक कमा सकते हो। दोस्तों इसमें जो हमें कैंडिडेट चाहिए वो अच्छे इंग्लिश बात करने वाले, अच्छा का इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, मिनिमम आपको 70% इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी एज जो है वो इसके अंदर हमें 22 से लेकर 30 साल तक चाहिए, 22 से लेकर 30 साल तक की आपकी एज है 30 से अंदर की, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसमें जो पासपोर्ट चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि 70% आपको मिनिमम इंग्लिश बात करना आनी चाहिए, तो वो हिसाब से हमें सिर्फ इसमें ECNR ही पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि ECR पासपोर्ट अगर आपका रहेगा तो वो जो है वो 10th से अंदर के होते हैं, उनका ECR पासपोर्ट बनता है, तो उनको जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर ले नहीं जमेगा। इसीलिए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ECNR पासपोर्ट इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। हमारा ऑफिस जो है मुंबई में है, द प्रोवाइडर कंसल्टेंसी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा, जाके आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपको वहाँ से डिटेल्स वो हासिल कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि हम आज जो पोस्ट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, आप उसकी जो रिक्वायरमेंट की डिटेल्स है अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आज से कल में ही आप लोग इस पर कॉल करके आप लोग डिटेल्स लीजिए। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो तो आज से कल में ही हमारे ऑफिस विजिट करिए। अगर आप ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हो कहीं दूसरे स्टेट से या कहीं दूर से आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप कम से कम इतना करिए कि आप हमारे ऑफिस पे कॉल करके उस डिटेल्स ले लीजिए और उसमें अप्लाई करने के लिए हमारे इधर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपका PDF भेजिए तो हम लोग उसमें अप्लाई करा सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, काफ़ी टाइम हमारे साथ ये हुआ है कि आप लोग इधर से जो हमारी पोस्ट जा रही है YouTube पे, हमारे हम जो रिक्वायरमेंट पोस्ट कर रहे हैं उसमें हमें हफ्ता भर 10 दिन बाद इतने लेट आपका कॉल आता है और वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटेल्स पूछते हैं। तो दोस्तों उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है, बहुत हर एक रिक्वायरमेंट उतना लंबे टाइम तक नहीं चलती है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें डिटेल्स लीजिए और उसमें अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो और भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स रहती है, आप उसमें भी पोस्ट अगर आप उसमें कॉल कर रहे हो हमारी वो रिक्वायरमेंट्स रही है तो हम आपको उस टाइम पे दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है हम बताते हैं। आपको अगर सही लगता है तो आप लोग उसमें विजिट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आगे वीडियो के अंदर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि हमारी और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसमें पोस्ट करते हैं तो वो भी आपको वहाँ से मिलती रहे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारी जो भी जॉब से जो रिक्वायरमेंट है वो उस पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं कार वॉशर के लिए या अदर किसी रिक्वायरमेंट के अंदर वो अप्लाई करना चाहते हैं, अदर फील्ड से रिलेटेड है, हमारे पास हर तरीके की रिक्वायरमेंट होती है वो, तो उस चीज़ के लिए भी हमारे से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।